दोस्तों Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए MIUI 10 का तीसरा स्टेबल अपडेट अभी रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। 10.0.3.0 का न्यू स्टेबल अपडेट, ये अपडेट कल शाम से ही रोल आउट होना स्टार्ट हो गया था और मैंने तुरंत इसे डाउनलोडिंग पर भी लगा दिया था। और आप सभी के लिए मैंने वहाँ पर वीडियो भी बनाई थी ताकि आपको पता लग सके कि Redmi Note 5 Pro के लिए न्यू अपडेट रोल आउट हो गया है। तो मैंने अभी इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस अपडेट के बारे में, चेंज लॉग में क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, क्या यहाँ पर न्यू फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन से बग में यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है, बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, तो सारी डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत, हाजिर हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में आए इस छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम अपनी MIUI 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों Xiaomi की तरफ से Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए MIUI 10 का तीसरा स्टेबल अपडेट 10.0.3.0 रोल आउट होना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये अपडेट अभी तक कुछ ही यूजर्स को देखने को मिला है, यानी मैक्सिमम यूजर्स को अभी तक ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। अगर आपको इंस्टॉल करना ये अपडेट अभी, तो इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आप ओनली 2 मिनट में ही इस अपडेट को अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस में केवल आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे बिना किसी डाटा इरेज के और बिना किसी बूट लोडर को अनलॉक किए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस अपडेट के फीचर्स के बारे में, चेंजेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है 1 अक्टूबर 2018 का, यानी 1/10/2018 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा में जो रेंडरिंग इश्यू थे कलर्स के, तो उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया और कुछ छोटा मोटा यहाँ पर बग फिक्स हुआ है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो लेटेस्ट में अगर आपको बताऊँ चेंजेस के बारे में, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको न्यू फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इम्पोर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर इस अपडेट में न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया गया, इम्पोर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको अपने डिवाइस को यूज़ करना चाहिए, कितना आपको टेम्परेचर वगैरह रखना चाहिए, कैसे आपको डिवाइस को सेफ करना चाहिए। तो आपको ये फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है और आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको यहाँ पर न्यू देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यार कैमरा परफॉर्मेंस में हम जाते हैं जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, तो हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद अभी भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, जो आपको लास्ट अपडेट में न्यू ऑप्शन ऐड किया गया था 1080p 60fps वाला। तो उसमें अभी भी यार बैकग्राउंड में नॉइस देखने को मिलती है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर अभी भी क्लियर देखने को नहीं मिलती है। आपको 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 60fps में जो बग था वो अभी भी फिक्स नहीं किया गया है। बाकी अगर मैं ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात, तो आपका यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी सही वर्क करता है, फोटोज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी कैप्चर हो रही हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। लेकिन जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है, उसमें जो आपको लास्ट अपडेट में 60fps वाला जो ऑप्शन मिला था, उसमें अभी भी बग को यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। तो अगर हम उस बग को यहाँ पर छोड़ दें तो कैमरा क्वालिटी में कोई यहाँ पर खास ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अभी बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो जहाँ तक मैंने इस अपडेट को अभी इंस्टॉल किया था, कल रात से ही मैं डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैटरी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा यार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ खास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दोस्तों, सेम आपकी बैटरी परफॉर्मेंस है, कुछ आप मान सकते हो 5 से 10%। तो यार मेरा तो थोड़ा सा बैटरी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाकी यार आपके स्मार्टफोन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करके रखोगे, आपका जो स्मार्टफोन का जो डाटा है वो अगर आप फुल रखोगे, तो यार बैकग्राउंड में उतनी ही प्रोसेसिंग होगी आपकी, बैकग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस रन करेगी तो बैटरी ड्रेन तो होगी ही होगी। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड से डाटा क्लियर कर दे, स्टोरेज थोड़ा सा कम कर ले, तो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हल्की सी इंप्रूव हो जाएगी। और फेस अनलॉक की अगर बात करी जाए, तो अपडेट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि फेस अनलॉक इस अपडेट के बाद काफ़ी फास्ट हो गया, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाके लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाके ऐड फेस डाटा दोबारा से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा से अपने फेस को ऐड करेंगे फेस अनलॉक में।
तो अभी आप देख सकते हैं कि फेस हमारा ऐड हो चुका है, तो उसके बाद डन कर देते हैं और स्क्रीन को एक बारी ऑफ करके देखते हैं। बटन को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यार फेस अनलॉक बिल्कुल फास्ट वर्क करता है जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यार मेरा तो फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट हो गया इस अपडेट के करने के बाद, बिल्कुल लॉक स्क्रीन भी आपकी शो नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है लेकिन यार मैक्सिमम बार आपके बिना लॉक स्क्रीन शो हुए फेस अनलॉक आपके स्क्रीन को अनलॉक कर देता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका फेस अनलॉक कैसा वर्क करता है। थीम्स एप्लीकेशन भी यार वही सेम है, कुछ खास ज़्यादा इसमें भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही आपको पुराने वाली थीम्स देखने को मिल जाती है और वॉलपेपर भी यार वही आपको पुराने वाले देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी यार वही आपकी सेम है, इसमें भी कुछ खास ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। वेदर एप्लीकेशन भी आपकी वही है। तो ओवरऑल अगर मैं इस अपडेट की बात करूँ तो अपडेट काफ़ी सही है, इसमें कुछ खास ज़्यादा बग मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तो आप इस अपडेट को जरूर से कर सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है तो उसके बारे में वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इस अपडेट में कुछ ज़्यादा न्यू चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, दो ही चीज़ें आपको न्यू देखने को मिली है वो मैंने आपको बताई दी है, बाकी आपके यहाँ पर बग फिक्स किए गए हैं। तो मैंने अभी इसे इंस्टॉल करके यही नोटिस किया है, तो जैसे ही और कुछ चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी डिटेल में बता दूंगा। और अगर बात करी जाए पबजी गेम के बारे में तो पबजी अभी भी आप बैलेंस्ड ग्राफिक्स पे ही प्ले कर सकते हो मीडियम फ्रेम रेट के साथ, तो HD ग्राफिक्स का ऑप्शन अभी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप टैप करते हो तो अनअवेलेबल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल पबजी गेम की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है अगर हम ये ऑप्शन छोड़ दे तो। तो भी बात करते हैं कि जिनको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है तो उनको कब तक मिलेगा OTA अपडेट के थ्रू। तो गाइज अगर आप OTA का वेट करते हो तो आपको कम से कम 6 से 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, 1 वीक के बाद आपको ये अपडेट आपके अपडेटर ऐप में देखने को मिल जाएगा। तो भी बात करते हैं अगर आपको ये अपडेट अभी इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना होगा। तो गाइज जब मैंने इस अपडेट को डाउनलोडिंग पर लगाया था तो तुरंत मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग साथ के साथ कर ली थी कि कैसे मैंने इसे इंस्टॉल किया, बाकी बाद में आपको मैं बता सकूँ कि कैसे आपको भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आगे भी आपके लिए काफ़ी सारी MIUI 10 से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाला हूं। तो गाइज आपको जो इस अपडेट की डाउनलोड लिंक्स है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको आना होगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद अबाउट फोन में, सिस्टम अपडेट में, उसके बाद राइट साइड में ऊपर आपको 3 डॉट देखने को मिलते हैं, चूज अपडेट पैकेज में आपको एंटर कर लेना है, इंटरनल स्टोरेज में और फिर आपको डाउनलोड्स में आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको उस फाइल को ढूंढ लेना है जो आपने डाउनलोड की थी, उस पर टिक करने के बाद आपको ओके यहाँ से कर देना है। जी हाँ दोस्तों ओके करने के बाद जो करेगा वो आपका डिवाइस करेगा, कुछ खास ज़्यादा आपको फिर इसके बाद ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका डिक्रिप्टिंग होगा, ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस यहाँ पर जो काम करना वो ऑटोमेटिकली करेगा। बस आपको यहाँ पर डिक्रिप्टिंग होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बैटरी पर की जो परसेंटेज है वो आपकी कम से कम 35% से ऊपर होनी चाहिए, यानी आपकी बैटरी यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपको रिबूट एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है और थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर आपका डिवाइस अपने आप यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल यार आसान सी प्रोसेस है, तो आपको बस इसे फॉलो करके केवल 2 मिनट में ही आपको स्मार्टफोन को अपडेट कर लेना है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो काफ़ी सही है ओवरऑल अगर हम इस अपडेट की बात करें, कुछ खास ज़्यादा लैग मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, बाकी तो जैसे ही मैं इस अपडेट को यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो बग यहाँ पर मिलेगा तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो 2 डाउनलोड लिंक्स आपको मैंने प्रोवाइड की है, एक है OTA अपडेट वाली और दूसरी है फुल रोम वाली लिंक। तो जो यहाँ पर 10.0.2.0 के लेटेस्ट अपडेट पे हैं तो वो OTA अपडेट वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी MIUI 10.0.2.0 से पुराने अपडेट्स पे हैं तो उन्हें फुल रोम वाली लिंक को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अपडेट करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको फाइल को डाउनलोड करते ही आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी ये प्रोसेस को फॉलो कर लेना है, फिर आपका बाद में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यानी अपडेट नहीं होगा। और बैटरी की जो परसेंटेज है उसे भी आप पूरा रखिए तभी आप अपडेट कर लीजिए। तो गाइज आई होप आपको ये प्रोसेस बिल्कुल आसान लगी होगी, तो बिना किसी डाटा इरेज के आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही, जो भी कमेंट्स हो क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप हमें वहाँ पर पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।